भारतीय बैडमिंटन की चीफ कोच पुलेला गोपीचंद हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी सर, आफ्टर पेरिस ओलंपिक अब अमेरिका ओलंपिक में नजर है, प्लानिंग शुरू हो गई है। पेरिस में थोड़ा सा रह गए हैं, बट हमेशा होप एक रहती है प्लेयर्स के लिए मेडल की, किस तरह से देखते हैं? आई थिंक लास्ट 3 ओलंपिक्स में मेडल मिलने के बाद पहली बार हमें मेडल नहीं मिला है। डेफिनेटली ये जो साइकिल का जो प्रिपरेशन रहा है उसके ऊपर BIA और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के साथ हम बात करेंगे और आने वाले समय में और अच्छी प्लानिंग रहे और वापस हमें मेडल्स मिले, ऐसी उम्मीद के साथ हम अगले 4 साल का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब ये बातें सामने आई कि प्लेयर्स पे एकदम से दबाव नहीं होना चाहिए, आप हमेशा से मानते हैं कि प्लेयर एक हमारा एसेट होता है। पेरिस ओलंपिक में कहा गया कि सब कुछ अच्छा था, 2024 चल रहा है, फंड्स, टेक्निक, ट्रेनिंग सब कुछ अच्छा है, तो क्यों नहीं आया मेडल? इस पर भी काफ़ी अलग अलग राय हैं, मीडिया की हों, प्लेयर्स की, कोचेज की हों। आई थिंक ये सिस्टमिक फेलियर है जो भी हुआ है और डेफिनेटली इसको आप अकेले प्लेयर्स पे ब्लेम करना गलत होगा। जो भी मिस्टेक्स हुए हैं एंड जो जान के आगे वाले साइकिल में हम ना करें, ऐसी उम्मीद के साथ हमें आगे जानी चाहिए। अगर मैं बात करूं पुलेला गोपीचंद से, एक भारतीय बैडमिंटन का वो चेहरा जिसने बैडमिंटन को चेंज किया, उनकी नज़र में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि मेडल क्यों नहीं आ पाया? आई थिंक ऐसा नहीं रहता है, हर गेम हर प्लेयर का अलग अलग रीजन रह सकता है। दिस टाइम अराउंड आई जस्ट फील दैट वी कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर। हमारा जो जेनरिक प्रिपरेशन था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता और फोकस्ड हो सकता था एंड डेफिनेटली इसके ऊपर में और विस्तार से और इसके ऊपर जो चिंतन है वो होगा और वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द डायलॉग एंड होपफुली वी विल करेक्ट दोज मिस्टेक्स गोइंग फॉरवर्ड। लास्ट सवाल, पेरिस के बाद अब जाहिर सी बात है कि 4 साल बाद की प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि सारे सिस्टम को ठीक करने की, तैयारियां करने की, वो उस पर ना हो, इसके लिए मीटिंग्स का दौर भी चला होगा? अभी शुरुआत हुई है और आने वाले, क्योंकि अभी ओलंपिक के बाद फिर पैरालंपिक्स चल रहा है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी डिसीजन मेकिंग बॉडी इज ऑल्सो बिजी विद द पैरालंपिक्स। सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट सीरीज ऑफ मीटिंग्स एंड प्रिपरेशन एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट साइकिल इन द कमिंग मंथ। पैरालंपियन की बात करें उसके बिना एक खत्म नहीं होगा। आप बैडमिंटन की बात करें, आप उम्मीद और कर रहे थे मेडल की? मैं तो उम्मीद कर रहा था क्योंकि हमारे जो पैरालंपियंस हैं बहुत ही अच्छा किया है पिछले चंद सालों में और आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बट समहाउ आई जस्ट हैड दिस फीलिंग दैट वी वुड विन इवन मोर मेडल्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे पुलेला गोपीचंद, और साफ कहा कि अमेरिका में जो ओलंपिक है उसकी तैयारियों के लिए शुरुआत हो चुकी है, जो गलतियां पेरिस में रही वो आगे ना हो इसके लिए भी जो तैयारी है वो शुरू की जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिश सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18, चंडीगढ़।